देखिए हमने जो डी मोइवर्स थ्योरम समझा, उसके बाद में बहुत आसान हो जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट और इट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ एम्प्लीट्यूड ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर को समझना, बिकॉज इसमें हम पोलर फॉर्म में अगर कोई किसी नंबर को लिख सकते हैं देन इट इज़ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स और उसका आर्ग्यूमेंट है, या डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनके आर्ग्यूमेंट्स किस तरह से बिहेव करते हैं, मीन्स प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। पॉइंट ये है कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट किस तरह से जाएगा वो चीज़ सीखने की है, और इट इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज टेकन एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट, तो वो किस तरह से बिहेव करता है। या सपोज किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसका कॉन्जुगेट से डिवाइड करें, सो व्हाट हैपन्स विद द argument of the complex number? Now if it is n power is taken any complex number, what happens with the argument of z? And if it is argument of z1 by z2 is some theta, so what happens if it is reciprocated? So that value z2 by z1 करेंगे तो क्या होगा, और argument of z plus z bar क्या होगा, argument of z minus z bar किस तरह से लिखा जाएगा। इसके लिए बेस्ट है कि आप इसमें तीन नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर वो लेट कर लेंगे, let z equals to r cos theta plus eta sin theta, right? और z1 ले लेंगे, z1 is r1 cos theta1 plus eta sin theta1, right? z2 you can take the r2 cos theta2 plus eta sin theta2, and now it is very easy, to prove these results, जो कि these are considered as the properties of argument और एम्पलीट्यूड। वेरी मनसा आप बहुत आसान से समझ सकते हो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रिजल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, सो z1 इंटू z2 आएगा, z1 इंटू z2 r1 r2 होगा, एंड इनके एंगल्स आप देख रहे हैं डायरेक्टली हम डी मोइवर्स थ्योरम को वर्कआउट कर चुके हैं। सो दिस इज कॉस थीटा वन प्लस आइटा साइन थीटा वन इंटू कॉस ऑफ थीटा टू प्लस आइटा साइन ऑफ थीटा टू। सो वट हैपन्स विद द आर्ग्यूमेंट, एंगल इसमें ऐड हो जाते हैं, करते ही हैं बाय यूजिंग द डी मोइवर थ्योरम। सो इट इज अ एप्लीकेशन ऑफ डी मोइवर थ्योरम बेसिकली। सो कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू आइटा साइन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू। सो दिस इज द जेड वन जेड टू। अब जेड वन जेड टू यदि ये है सो डायरेक्टली वी कैन से व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन जेड टू इज इक्वल टू थीटा वन प्लस थीटा टू। So this is z1, so its argument of z1 is theta1, argument of z is theta, argument of z2 is theta2, this we know, right? And we have multiplied two numbers, so angles are added, jab do multiply karenge to angle add ho jayega, aur bilkul is tarah se likh sakte hain, थीटा वन थीटा टू को लिख देंगे, दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू। सपोज इफ यू डिवाइड द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड इसकी प्रूफ की बात कर रहा हूं मैं, डिवाइड कर लें पहले, सो आर वन बाई आर टू एंड दिस इज कॉस थीटा वन प्लस आइटा साइन थीटा वन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा टू प्लस आइटा साइन ऑफ थीटा टू डिवाइडेड, राइट? सो व्हाट इज देयर r1 बाई r2, और इसमें ये जब ऊपर एंगल जाएगा नीचे वाला पावर -1 लगेगी एंड डेफिनेटली इसको सब्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है? देखिए आप इसको स्टेप अगर समझना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, cos थीटा 1 प्लस आइटा साइन थीटा 1, ठीक है, एंड इट इज गोइंग इन न्यूमरेटर, सो पावर -1, मीन्स दिस कैन बी रिटन एज cos ऑफ थीटा 2 माइनस आइटा साइन। आप चाहे तो उसको उसके आइडियल फॉर्म में लिखें, दिस इज ऑफ कॉस ऑफ माइनस थीटा टू प्लस आइटा साइन ऑफ minus theta 2. This is better, right? So what is there? R1 by R2. Now it is cos of theta 1 minus theta 2 plus iota sine of theta 1 minus theta 2. Now here see, angle are subtracted. When the two complex number are divided, their angles are subtracted. So you can write this is Z1 by Z2. Therefore, argument of z1 by z2 equals to theta1 minus theta2 आएगा, so उसको लिखेंगे argument of z1 minus argument of z2. This is how the second result is proved. First, second. ठीक है, इसके बाद हम आते हैं थर्ड रिजल्ट पे। देखिए थर्ड रिजल्ट क्या कह रहा है, z कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट पहले ले लें, यहाँ पे कॉन्जुगेट अगर करेंगे पावर -1 होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं आप, तो वैसे लिख लीजिए cos थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। और इसको हम बेटर क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी द r, दिस इज cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा टू पावर -1, अल्टीमेटली दिस इज r cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आइटा साइन ऑफ माइनस थीटा। ये भी लिख सकते हैं, पावर -1 ऊपर ले लेंगे, राइट, और माइनस ऊपर जाने का मतलब ये है कि ये दोनों से इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। सो अल्टीमेटली व्हाट इज देयर, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू माइनस, दिस इज द, यू कैन से आर्ग्यूमेंट ऑफ, दिस इज जेड बार इक्वल्स टू माइनस ऑफ थीटा। सो दिस इज माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z लिखा जा सकता है, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, दिस इज माइनस थीटा। देखिए यहाँ पे माइनस थीटा लिखा है मैंने, ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। और उसको रिजल्ट को दूसरी तरह से भी लिख रहा है, 1/z भी लिख रहा है, तो ठीक है ना, यहाँ से उठा के वैल्यू को आप इसको नीचे भी ले सकते हो। ये पूरे नंबर को 1 अपॉन दिस इज cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा लिख सकते हैं। सो ये 1/z हो जाएगा कंप्लीट नंबर। इसमें आप चाहें तो r को लेट नहीं करें, अगर ये जितने भी प्रूफ अगर आपको लेने हैं, इट विल बी बेटर टू रिमूव द r, राइट। वी आर नॉट टेकिंग द एनी r, मतलब r की वैल्यू 1 ले रहे हैं, r 1 ले रहे हैं, और उस केस में ये सारे प्रूफ हम देना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर r प्रॉब्लम नहीं करेगा कहीं पे भी। आपने लेट ही इस तरह से तीनों नंबर्स को किया है तो फिर प्रूव करना आसान होगा, ये r यहाँ प्रॉब्लम नहीं करेगा, r को हमने हटा दिया, राइट, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z, राइट। और आर्ग्यूमेंट ऑफ फोर्थ रिजल्ट की बात करें देखिए फोर्थ रिजल्ट कहता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z अपॉन z कॉन्जुगेट। सो z बाय z कॉन्जुगेट पहले निकाला जाए, z बाय z कॉन्जुगेट, z is cos theta plus theta sin theta and z conjugate is cos theta minus theta sin theta, right। फिर इसको क्या करेंगे आप, दिस कैन बी रिटन एज cos theta plus theta sin theta, ठीक है, और इसमें लिखेंगे cos, मतलब ये लिखा जा सकता है cos theta plus theta sin theta to power -1। सो cos theta plus eta sin theta to the power -1 and when it goes into the numerator तो फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी पावर -1 और एक पावर इसकी भी आ जाएगी, इट इज 2 पावर। सो बेटर इट कैन बी रिटन एज cos 2 theta plus eta sin 2 theta when it is 2 theta, so it is again very easy। now argument of z by z conjugate इक्वल्स टू, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना है इसका आर्ग्यूमेंट देखें 2 थीटा है, तो उसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z एंड दिस इज हाउ दिस रिजल्ट इज प्रूव्ड। दिस इज फोर्थ रिजल्ट इज प्रूव्ड, z टू द पावर n करेंगे। इट इज मोस्ट अंडरस्टूड दैट इट विल बी, जब 2 टाइम्स में इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो n टाइम्स में n आगे आ जाएगा, सो इट इज n टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो ये रिजल्ट हमारा ऑलरेडी हो चुका है, हमने 2 पावर के लिए किया, इट कैन बी n पावर ऑल्सो, राइट। सो फिफ्थ रिजल्ट इज ऑल्सो प्रूव्ड। नाउ सी, इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z1/z2 इक्वल्स टू थीटा, ये कोई किसी केस में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और उनका ये बोलता है कि थीटा है, तो अब जब रेसिप्रोकेट कर देते हैं, रेसिप्रोकल करने पर हमने यहाँ पे चीज़ देखी कि डॉट कॉन्जुगेट करने पे माइनस साइन बाहर आता है, तो इसमें जो माइनस थीटा इसने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो देखिए ये भी बहुत इजी है बात को समझना। इफ़ आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाय z2 इज थीटा, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 बाय z1 अगर लिखेंगे तो हम उसको माइनस थीटा हम जानते हैं लिखेंगे, बट माइनस थीटा इज नॉट देयर। माइनस थीटा को आप क्या करेंगे, दिस इज नॉट अ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, यू आर नॉट राइटिंग द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। आप उसको जनरलाइज करके भी लिख सकते हैं, ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बनेगा। अगर ये आपका आर्ग्यूमेंट बना है तो दिस इज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, एंड ऑल्सो यू कैन राइट द दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 बाई z1 इक्वल्स टू this is equals to 2k pi minus theta where k belongs to integer। तो ये जो values है 2 pi minus theta आएगा। so because हम जो minus theta यहाँ denote करते हैं, अगर suppose minus theta, so it can be the 2 pi minus theta, 2 pi minus theta, or it can be the 4 pi minus theta, it can be like this, this is 1 round minus theta, 2 rounds minus theta, 3 rounds minus theta, 6 pi minus theta, it can be 8 pi minus theta, 4 rounds minus 1 minus theta, right। तो इसको जनरलाइज करके इसने लिखा है, इट इज नॉट एन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, डेफिनेटली ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है, ठीक है। इस तरह से भी बात को कहा जा सकता है। इसके बाद आप आ जाएंगे 7th नंबर रिजल्ट पे। देखिए सेवंथ में ही बोल रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस जेड बार, रिजल्ट नंबर 7 दैट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस जेड बार। तो हमें मालूम है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर गिवन होता है z और z बार अगर करेंगे तो सपोज दिस इज द z बार, इसी नंबर का z बार ले लेते हैं। z बार हो जाएगा आपका cos थीटा माइनस आइटा साइन थीटा, और z प्लस जेड बार यहाँ पे दिखा रहा है दिस इज 2 cos थीटा, दिस इज 2 cos theta, so this is the argument, and what is there, this number becomes purely real। यहाँ पे हम उस बेसिस पे इसको डिसाइन नहीं कर पाएंगे because z plus z bar you will say it is a real number। जब ये रियल नंबर है तो पॉइंट ये है कि रियल नंबर कहाँ पे लाई करते हैं, रियल नंबर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, रियल नंबर्स लाइज ऑन एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस पे अगर नंबर लाई करेगा तो ऐसा है कि या तो उसका 0 होगा, पाई होगा, 2 पाई होगा, 3 पाई होगा, 4 पाई होगा, 5 पाई होगा, 6 पाई होगा, 7 पाई, एन पाई। सो जनरल में क्या लिख दिया जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू एन पाई, एंड सो दिस इज इक्वल्स टू एन पाई। argument of z plus z bar is written as the n pi, n belongs to can be some integer, now we can write like this। concept ये है कि जब आप z plus z bar करते हैं तो वो number real हो जाता है और real number x axis पे ही lie करता है, और दूसरा point ध्यान रखें कि imaginary number y axis पे lie करेगा, आइटा है, आइटा definitely y axis पे lie करता है। so this is how the numbers are there, और इन दोनों वैल्यूज को हम उसी बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं। दूसरी बार इसने लिखा है रिजल्ट नंबर 8, रिजल्ट नंबर 7 हमने प्रूव किया, नाउ कम्स द रिजल्ट नंबर 8, और इसमें भी वही बात है कि यहाँ पे वो सब्ट्रैक्ट कर रहा है, z माइनस जेड बार कर रहा है। जेड बार अगर सब्ट्रैक्ट करेगा तो उसको रिजल्ट नंबर 8 में z माइनस जेड बार आप लिख पाओगे 2 आइटा साइन थीटा। देखिए when z minus z bar is a 2 iota sin theta, it is an imaginary number, and any imaginary number lies on the y axis, it can be above the origin or it is below the origin, कहीं पे भी lie कर सकता है but it is on the y axis। तो यहाँ तो वो इधर lie करेगा या इस पॉइंट पे lie, इधर डिपेंड करेगा उसका मॉडुलस कितना है, उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइट बढ़ेगी, बट दैट नंबर विल लाई ऑन द वाई एक्सिस पे ही वो उसको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो एंगल है आर्ग्यूमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड बार वो लिख देता है 4n प्लस माइनस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2. सो इफ यू पुट एनी n, n बिलोंग्स टू अगेन इंटीजर, सो व्हाट इज देयर, या तो प्लस माइनस पाई बाई 2 होगा या प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस 4n प्लस 1 है. सो अगेन इट विल कम इन टू दिस पॉइंट, इधर आएगा, इट कैन बी हेयर और इट कैन बी आफ्टर वन राउंड, इट कैन बी हेयर, इट कैन बी आफ्टर टू राउंड्स, इट कैन बी हेयर, या फिर यहाँ हो सकता है. बट सर्टेनली इट लाइज ऑन द वाई एक्सिस. इमेजिनरी नंबर ऑलवेज लाइज ऑन द वाई एक्सिस, राइट. तो ये चीज़ें कंप्लीट हुई, दीज आर द प्रॉपर्टीज. अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके क्वेश्चंस ले पाऊँगा. So I will take the 1, 2, 3, 4 questions. 4 questions based on the properties of the argument of any complex number.